तो बच्चों, आज हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में विस्तार से जाना था कि किस तरह से उनकी विशेषताएं, उनकी परिभाषा और किस तरह से हमने उनका ग्राफी निरूपण किया था। तो उसी के आधार पर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को हम जानेंगे। इसका परिभाषा पहले देख लेते हैं। विभिन्न तरंग दैर्ध्यों वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों विभिन्न तरंग दैर्ध्यों वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनके तरंग दैर्ध्यों के आधार पर जिनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, एक क्रम में रखा जाता है, एक क्रम में रखा जाता है, इस क्रम को ही विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस क्रम को ही विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। वर्णक्रम भी कहा जा सकता है इसको। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम मतलब विभिन्न तरंग दैर्ध्यों वाली जो विद्युत चुंबकीय तरंग हैं, उनको तरंग दैर्ध्यों के आधार पर जिनके गुण अलग अलग होते हैं, एक ऑर्डर में रखा जाता है, एक क्रम में रखा जाता है, और इस क्रम को ही विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। शॉर्ट में हम उसको वर्णक्रम भी कह सकते हैं। अब देखते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दो प्रकार होते हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार को हम कहते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, दृश्य स्पेक्ट्रम। और दूसरे प्रकार को हम कहते हैं अदृश्य स्पेक्ट्रम। इसके नाम से ही आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि दृश्य स्पेक्ट्रम किसको कहेंगे और अदृश्य स्पेक्ट्रम किसको कहेंगे, पर फिर भी हम इसको डिटेल में जानेंगे। आइए देखते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम वे स्पेक्ट्रम होते हैं जो हमारी आंखों से स्पष्ट दिखाई देते हैं। पहला जो हमारा प्रकार था विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का, वो था दृश्य स्पेक्ट्रम। वे स्पेक्ट्रम जिन्हें हम अपनी आंखों से स्पष्ट देख पाए, उन्हें दृश्य स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और इस दृश्य स्पेक्ट्रम का सबसे बड़ा स्रोत जो होता है वो सूर्य होता है।
सूर्य का प्रकाश दृश्य स्पेक्ट्रम का सबसे बड़ा स्रोत है। वैसे तो विद्युत लैंप से भी दृश्य स्पेक्ट्रम हमको मिलता है और इसमें 7 रंग के कलर हमको दिखाई देते हैं, लाल रंग से लेकर के बैंगनी रंग तक, जिसमें हम देखते हैं कि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे कम होता है। तो यहाँ आप लोगों को जानना जरूरी है कि दृश्य स्पेक्ट्रम वे स्पेक्ट्रम है जिनको हम आसानी से देख पाते हैं स्पष्टता के साथ, और इन दृश्य स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाला जो रंग होता है वो लाल रंग का होता है और सबसे कम जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है। आइए देखते हैं दूसरा, जिसको हम कहते हैं अदृश्य स्पेक्ट्रम। नाम से ही स्पष्ट है कि वे स्पेक्ट्रम जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते उनको हम अदृश्य स्पेक्ट्रम कहेंगे, ठीक है ना। यदि इसको हम विस्तार से जानना चाहें तो दृश्य स्पेक्ट्रम में लाल रंग के ऊपर और बैंगनी रंग के नीचे भी बहुत सारे स्पेक्ट्रम विस्तार से होते हैं, फैले होते हैं। इन स्पेक्ट्रम को हम अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं क्योंकि ये हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते, ठीक है ना। तो इसको परिभाषा भी हम आसानी से लिख सकते हैं, वे स्पेक्ट्रम जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। उन्हें अदृश्य स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अदृश्य स्पेक्ट्रम कहा जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं एक्सरे मशीन के बारे में, वहां से एक्स किरणें निकलती हैं, आपकी गामा किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, ये ऐसी किरणें हैं जिनको हम अपनी आंखों से स्पष्टता से नहीं देख सकते या दिखाई ही नहीं देता। इस तरह की स्पेक्ट्रम को हम अदृश्य स्पेक्ट्रम कहेंगे और ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का दूसरा प्रकार है। अब दृश्य स्पेक्ट्रम और अदृश्य स्पेक्ट्रम को उनके तरंग दैर्ध्यों के आधार पर उनके गुणों का हम अध्ययन करेंगे, उनके उपयोगों के बारे में हम जानेंगे। आइए देखते हैं। तो दृश्य और अदृश्य स्पेक्ट्रम को मिला के हम उनके गुणों का अध्ययन करेंगे और उनके उपयोगों के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि उनके तरंग दैर्ध्य क्या होते हैं और इन किरणों को किन किन वैज्ञानिकों ने खोजा था। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं गामा किरण के बारे में। गामा किरण या गामा किरणें, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस किरण की खोज किसने किया था। गामा किरणों की खोज सन 1896 में एक भौतिक शास्त्री थे वैज्ञानिक थे बेक्यूरल ने की थी। वो रेडियोधर्मी पदार्थों पर काम कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने गामा किरणों की खोज सन 1896 में की थी। अब बात करते हैं कि इनका तरंग दैर्ध्य क्या हो सकता है। इनका तरंग दैर्ध्य होता है 10^-13 मीटर से 10^-10 मीटर तक। इन किरणों का तरंग दैर्ध्य 10^-13 मीटर से 10^-10 मीटर तक होता है, ठीक है ना। आप लोग समझ ही गए होंगे कि हर किरण का हमको यह भी जानना है कि किसने खोजा, उसके बाद ये जानना है कि इनका तरंग दैर्ध्य कहां से कहां तक होता है। तो ऋणात्मक में होता है 10^-13 मीटर से 10^-10 मीटर तक। अब हम ये जान लेते हैं कि गामा किरणें उत्पन्न कैसे होती है। जैसे आप लोग रसायन में भी पढ़ते होंगे, रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं जैसे कि यूरेनियम होते हैं, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा रेडियम भी होता है। इनसे ये किरणें स्वतः ही उत्सर्जित होते रहते हैं।
और फोटोग्राफिक प्लेट की मदद से इनकी उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है, ठीक है ना। कहने का मतलब फोटोग्राफिक प्लेटों की मदद से इनकी उपस्थिति का पता लगाया जाता है कि वास्तव में गामा किरण है वहां पर या नहीं है, ठीक है ना। तो ये गामा किरणें हैं, उनके खोज, उसके तरंगदैर्ध्य, और ये भी हमने बताया जाना कि वो कैसे उत्पन्न होते हैं, और फोटोग्राफिक प्लेट की मदद से उनकी उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। इसके बाद इसका देखते हैं कि इनके गुण क्या क्या हैं, गामा किरणें क्या क्या करती हैं। तो इसके गुण को पहले देख लेते हैं। गुण में सबसे पहला गुण है कि गामा किरणें गैसों को आयनित कर देती हैं। गामा किरणें गैसों को आयनित कर देती हैं। ठीक है ना, गामा किरणें गैसों को आयनित कर देती हैं, ये पहला गुण हुआ। दूसरा गुण हुआ कि गामा किरणें की वेधन क्षमता जो होती है बहुत अधिक होती है, इनकी वेधन क्षमता बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम इनके दो गुणों के बारे में जाने कि गामा किरणें गैसों को आयनित करने का काम करती हैं और इनकी वेधन क्षमता भी बहुत अधिक होती है। अब इनका उपयोग देख लेते हैं कि गामा किरण के उपयोग क्या क्या हो सकते हैं। आप लोगों ने कैंसर रोग के बारे में सुना होगा, है ना। तो कैंसर के इलाज में, दरअसल कैंसर आप बायोलॉजी में भी पढ़ते होंगे कि कैंसर दरअसल हमारे शरीर में अनियंत्रित कोशिकाओं का विकास से होता है। यदि कोई कोशिका का विकास अनियंत्रित रूप से होता है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को कैंसर हो गया है। तो कैंसर के इलाज में भी गामा किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। कैंसर के इलाज में ये पहला उपयोग। दूसरा हम कह सकते हैं नाभिकीय संरचना का पता लगाने में, नाभिकीय संरचना का पता लगाने में। तो इस तरह से गामा किरण की खोज, तरंगदैर्ध्य, उसके गुण और उसके उपयोग के बारे में हमने जाना। आइए देखते हैं एक्स किरणों की खोज किसने की। एक्स किरणों की खोज आपने रोंटजन नामक वैज्ञानिक सुना होगा, और 20वीं सदी के शुरुआत में उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी एक्स किरणों की खोज करके। आइए देखते हैं दूसरा जो हमारा किरणें हैं, एक्स किरणें, एक्स किरणें। एक्स किरणों की खोज सन 1895 में रोंटजन ने की थी। इन किरणों की खोज सन 1895 ईस्वी में रोंटजन नामक वैज्ञानिक ने की थी। रोंटजन नाम याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। तो एक्स किरणों की खोज
सन 1895 ईस्वी में रोंटजन ने की थी। आइए देखते हैं इनका तरंग दैर्ध्य कहां से कहां तक होता है। इन किरणों का तरंग दैर्ध्य, इन किरणों का तरंग दैर्ध्य हमने गामा किरण में देखा, लास्ट कहां पर आया था, 10^-13 से 10^-10 मीटर तक था। अब ये जहां खत्म हुआ था गामा किरण, वहां से शुरू करते हैं। कहने का मतलब 10^-10 मीटर से 10^-8 मीटर तक होता है। तो एक्स किरणों की खोज रोंटजन नामक वैज्ञानिक ने की थी और इन किरणों का तरंग दैर्ध्य होता है 10^-10 मीटर से 10^-8 मीटर तक, ठीक है ना। अब ये पता करते हैं कि एक्स किरणें उत्पन्न कैसे होते हैं। जैसे कि गामा किरणें, हम मैंने बताया कि रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, जैसे कि यूरेनियम, जैसे कि रेडियम, उससे स्वतः ही उत्सर्जित होते रहते हैं। तो एक्स किरणों की उत्पत्ति कैसे होती है, तो जब तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन या कैथोड किरणें जो होती हैं, वो जब भारी तत्व के लक्ष्य से जब टकराती हैं, तो उस समय एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, यदि कहीं पर एक्स किरणें उत्पन्न हो रही हैं, तो उसकी उपस्थिति का पता हम कैसे लगाएंगे। जैसे गामा किरण की उपस्थिति का पता हमने फोटोग्राफिक प्लेट की मदद से जाना था, इनको भी फोटोग्राफिक फिल्मों की सहायता से इनकी उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। फोटोग्राफिक फिल्मों की सहायता से इनकी उपस्थिति का पता लगाया जाता है, ठीक है ना। अब इसके गुण देख लेते हैं कि एक्स किरणों के क्या क्या गुण होते हैं। जैसे गामा किरणों किरणें जो होती हैं, वो गैसों को आयनित करने का काम करती हैं, ये भी गैसों को आयनित करती हैं। ये किरणें भी, पहला गुण यदि हम इसको माने, ये किरणें भी गैसों को आयनित कर देती हैं। तथा प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। दूसरा इसके जो गुण हैं, इनकी भी वेधन क्षमता अधिक होती है, लेकिन यदि हम तुलना करें गामा किरण से, तो उनकी वेधन क्षमता से एक्स किरणों की वेधन क्षमता कम होती है। एक्स किरणों की वेधन क्षमता गामा किरणों की तुलना में तुलनात्मक रूप से यदि तुलना करें गामा किरणों की तुलना में कम होती। अब हम इसके उपयोग के बारे में जानेंगे कि एक्स किरणों के उपयोग क्या क्या है। आप लोग जानते हैं जब एक्स किरणों का खोज रोंटजन ने किया था, तो पूरा संसार चकित था। क्यों चकित था, क्योंकि हम देखते हैं आजकल, आप खुद जानते हैं, आपका पैर फ्रैक्चर हो जाए तो आप हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं, और जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है उस जगह का एक्सरे निकलवाते हैं, और उस एक्सरे से वो जो डॉक्टर होता है, एक्सरे विशेषज्ञ होता है या हड्डी रोग विशेषज्ञ होता है, वो जान लेता है कि कहाँ पर फ्रैक्चर है और किस तरह का मेडिसिन उस रोगी को देना है, तो जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक संसार को देन है एक्सरे मशीन जो है। तो आप उपयोग समझ ही गए होंगे कि इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है शरीर में टूटे हुए हड्डी की पहचान करने में इसका उपयोग होता है।
शरीर में टूटे हुए हड्डी का पता लगाने में, ठीक है ना। दूसरा, इसका उपयोग कैंसर के इलाज में भी होता है, कैंसर के उपचार कह सकते हैं, उपचार में इसका उपयोग होता है। तीसरा उपयोग हम कह सकते हैं क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने में, क्रिस्टलों की संरचना ज्ञात करने में। तो एक्स किरणों का आविष्कार करके रोंटजन ने बहुत बड़ा काम किया है। उसका तरंग दैर्ध्य कहाँ से कहाँ तक होता है और उसके गुण और उसके किस तरह उपयोग होते हैं, ये आप लोगों ने जाना, ठीक है ना। अब हम देखते हैं पराबैंगनी किरणों के बारे में, ठीक है, पराबैंगनी किरणों के बारे में। आप जानते हैं सूर्य के प्रकाश से केवल दृश्य प्रकाश ही उत्सर्जित नहीं होता, बल्कि उसके अलावा भी एक किरण उत्सर्जित होती है जिसको कहते हैं पराबैंगनी किरणें। तो तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो है पराबैंगनी किरणें। अंग्रेजी नाम जानना चाहें अल्ट्रा वायलेट रेस। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस किरण की खोज किसने किया था और कब किया था। तो इन किरणों की खोज सन 1801 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जे डब्ल्यू रीटर ने की थी। ठीक है ना। और इन किरणों का तरंग दैर्ध्य कहां से कहां तक होता है, इन किरणों का तरंग दैर्ध्य आपने जहां एक्स किरणों को देखा था 10^-10 से 10^-8 मीटर, वहीं से चालू करना है। 10^-8 मीटर से कहां तक होता है, 4×10^-7 मीटर तक होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से इन किरणों का तरंग दैर्ध्य कहां से कहां तक होता है ये मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी खोज सर्वप्रथम सन 1801 ईस्वी में वैज्ञानिक जे डब्ल्यू रीटर ने की थी। आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। इन किरणों का तरंग दैर्ध्य 10^-8 मीटर से 4×10^-7 मीटर तक होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये समझ लेते हैं कि ये कैसे उत्सर्जित होती है। मैंने पहले ही बताया कि सूर्य के प्रकाश के साथ दृश्य प्रकाश ही उत्सर्जित नहीं होता, अपितु उसके साथ साथ पराबैंगनी किरणें भी उत्सर्जित होती हैं। लेकिन आप लोग ये जानते होंगे कि हमारे वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत भी है। ये ओजोन परत क्या करता है, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको अवशोषित कर लेता है, जिसकी वजह से ये पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाती, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, हम इसको खुद से, मतलब मानव यदि चाहे तो कैसे उत्सर्जित करेगा, कैसे उत्पन्न करेगा, तो दो तरीके से उत्पन्न कर सकता है। एक तो विद्युत विसर्जन के द्वारा या फिर निर्वात स्पार्क के द्वारा, ठीक है ना। अच्छा, तो ये सब बातें हो गई। इसके गुण को देख लेते हैं कि पराबैंगनी किरणों के क्या क्या गुण हैं। ये भी गैसों को आयनित करने का काम करती हैं, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं।
ये भी प्रति दीप्ति उत्पन्न करती हैं। ये भी प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं तथा गैसों को आयनित करती हैं। इन्हें अत्यधिक क्रियाशील किरणें भी कहा जाता है। पराबैंगनी किरणों को अत्यधिक क्रियाशील किरणें भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये रासायनिक परिवर्तन के लिए अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। इसका दूसरा जो हम देख सकते हैं कि ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं और उसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करती हैं। जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, ठीक है, प्रभावित करती हैं तथा उसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करती हैं, तथा उसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करती हैं। तो ये पराबैंगनी किरणों के एक गुण हो गए। इसके बारे में तो हमने पराबैंगनी किरणों के गुण के बारे में जाना कि ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं तथा उसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करती हैं। अब हम इसके उपयोग को जानेंगे कि किस तरह से पराबैंगनी किरणों का उपयोग होता है। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं कि इनके उपयोग क्या क्या हैं। उपयोग, तो इनका सबसे पहला उपयोग है कि जो हीरे जवाहरात होते हैं वो नकली है कि सही है, इसका पता जो है पराबैंगनी किरणों की सहायता से लगाया जा सकता है। शुद्ध घी का भी पता इससे चल जाता है। साथ ही साथ जो हम इस्तेमाल करते हैं कि कीटाणु जो होते हैं उनको मारने में भी इनका उपयोग होता है। तो सबसे पहला उपयोग है कीटाणुओं को मारने में, कीटाणुओं को मारने में। दूसरा हम उपयोग कर सकते हैं हीरे जवाहरात और शुद्ध घी का पता लगाने में, हीरे जवाहरात, ये महंगे धातु हैं, सॉरी महंगे पदार्थ हैं, बहुत महंगे मिलते हैं ये हीरे जवाहरात तथा शुद्ध घी का पता लगाने में। तो इस तरह से पराबैंगनी किरणों का उपयोग होता है। आइए देखते हैं इसके बाद दृश्य प्रकाश के बारे में कि उसका तरंग दैर्ध्य कहां से कहां तक होता है और उसको किस वैज्ञानिक ने खोजा था, ठीक है ना। दृश्य प्रकाश जो हमारा चौथा जो वर्ग है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का, दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश की खोज सन 1666 में न्यूटन ने की थी। इनकी खोज सन 1666 ईस्वी में न्यूटन, जिन्होंने गति का नियम भी बताया था, गति का प्रथम नियम द्वितीय नियम आप लोगों ने 11वीं में पढ़ा होगा, उसी वैज्ञानिक न्यूटन ने दृश्य प्रकाश की खोज सन 1666 में की थी। न्यूटन ने की थी। इनका तरंग दैर्ध्य कहां से कहां तक होता है? इनका तरंग दैर्ध्य
इनका तरंगदैर्ध्य कहां से कहां तक होता है? हमने लास्ट कहां पर किया हुआ था, 4×10⁻⁷ मीटर से, 4×10⁻⁷ मीटर से 7.8×10⁻⁷ मीटर तक होता है, ठीक है ना। तो आपको सभी किरणों का तरंगदैर्ध्य को जानना, याद करना बहुत जरूरी होगा कि इनका तरंगदैर्ध्य, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 4×10⁻⁷ मीटर से 7.8×10⁻⁷ मीटर तक होता है। अच्छा, दृश्य प्रकाश को हम आसानी से देख सकते हैं क्योंकि बैजानी हपी नाला आप जानते होंगे, बैगनी, नारंगी, जामुनी, नीला, लाल, हरा, पीला, ये सभी दृश्य प्रकाश हैं क्योंकि हमारी आंखों से स्पष्टता से हम देख पाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दृश्य प्रकाश उत्पन्न कैसे होते हैं? ये इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण के कारण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और इसका सबसे मुख्य स्रोत है सूर्य। सूर्य के प्रकाश से ही हमको दृश्य प्रकाश मिलता है, ठीक है। अच्छा, और ये और कहां से उत्पन्न हो सकता है या कहां से इसका स्रोत हो सकता है? विद्युत लैंप, आपके घरों में जो विद्युत लैंप होगा उससे भी जो प्रकाश उत्पन्न होता है, उत्सर्जित होता है, वह भी दृश्य प्रकाश का एक अच्छा स्रोत है, ठीक है। अच्छा, इसका उपयोग क्या हो सकता है, दृश्य प्रकाश के क्या उपयोग हो सकते हैं? जो हम जितने भी वस्तुएं हम आसपास देख पाते हैं अपनी आंखों से, क्यों देख पाते हैं? उसका कारण यही है, दृश्य प्रकाश। ये दृश्य प्रकाश नहीं होते तो हम किसी भी चीज को स्पष्टता से नहीं देख पाते। जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारी आंख की रेटिना पर बनता है और हम उस वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। तो वस्तुओं को देखने में इनका बहुत बड़ा उपयोग होता है और इन्हीं की वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। तो इसको हम ये कह सकते हैं, इसका उपयोग देख लेते हैं सीधे सीधे, वस्तुओं को देखने में, वस्तुओं को देखने में, ठीक है ना। आइए देखते हैं, अब पांचवा जो हमारा है जिसको हम कहते हैं अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें। इन किरणों की खोज सन 1800 में ईस्वी में वैज्ञानिक विलियम हर्सेल ने की थी। विलियम हर्सेल ने की थी। अब देख लेते हैं इनका तरंगदैर्ध्य कहां से कहां तक होता है। इनका तरंगदैर्ध्य7.8×10⁻⁷ मीटर से 10⁻³ मीटर तक होता है, ठीक है ना। 10⁻³ मीटर तक होता है। अच्छा, इनके गुण क्या क्या हो सकते हैं? अवरक्त किरणों का सबसे बड़ा गुण है कि इनकी वेधन क्षमता भी बहुत ज्यादा होती है। दूसरा गुण यह है कि वेधन क्षमता अधिक होने के कारण यदि कोहरा है, धुंध है, कोहरा और धुंध आप समझते होंगे, ठीक है ना, तो उसके आर पार भी आप देख सकते हैं इन किरणों की मदद से, क्योंकि इनकी वेधन क्षमता अधिक होती है। अच्छा, ये उत्पन्न कैसे होती है इसके बारे में हमको जानना चाहिए। यदि किसी भी पदार्थ को उच्च ताप पर गर्म किया जाए, पदार्थों को उच्च ताप पर गर्म किया जाए तो ये अवरक्त किरणें उत्पन्न होती हैं। इसलिए इन अवरक्त किरणों को ऊष्मीय किरणें भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब इसका उपयोग देख लेते हैं अवरक्त किरणों का। अंधेरे में फोटोग्राफी करने में जिसका उपयोग होता है वो इन्हीं की वजह से होता है, अवरक्त किरणों की वजह से। तो सबसे बड़ा इसका उपयोग है अवरक्त किरणों का अंधेरे में फोटोग्राफी करने में, अंधेरे में
फोटोग्राफी करने में। ठीक है ना। दूसरा हम उपयोग बता सकते हैं कि रोगियों को सिकाई करने में, जो रोगी होते हैं उनको सिकाई इसी के माध्यम से किया जाता है, सिकाई करने में। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, हमारा जो छठवां है लघु रेडियो तरंगे, लघु रेडियो तरंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसको किसने खोजा था। इनकी खोज सन 1888 में हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने की थी। इनकी खोज सन 1888 ईस्वी में हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है। अब ये जान लेते हैं कि इनका तरंग दैर्ध्य कहां से कहां तक होता है। इनका तरंग दैर्ध्य -10³ से 1 मीटर तक होता है। ठीक है ना। अब बात आती है कि ये उत्पन्न कैसे होती है। जो लघु रेडियो तरंगे हैं वो विद्युत दोलनों से उत्पन्न होती है। ठीक है ना। विद्युत दोलनों से उत्पन्न होती है। इनके उपयोग क्या क्या है। इसका सबसे बड़ा उपयोग है रेडियो तथा टेलीविजन के प्रसारण और संचार में। जो हम रेडियो सुनते हैं, रेडियो और टेलीविजन, टीवी के प्रसारण और संचार में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, लघु रेडियो तरंगों का, जिसकी खोज सन 1888 में वैज्ञानिक हर्ट्ज ने की थी। लास्ट हम देख लेते हैं जिसका नाम है दीर्घ रेडियो तरंगे। ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का आखिरी भाग है, दीर्घ रेडियो तरंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसकी खोज किसने किया था। इनकी खोज सन 1899 में वैज्ञानिक मार्कोनी ने किया था। मार्कोनी ने किया था। तथा इनका तरंग दैर्ध्य कहां से कहां तक होता है। इनका तरंग दैर्ध्य जो लास्ट उसका आया था 1 मीटर से 10⁴ मीटर तक होता है। ठीक है ना। 10⁴ मीटर तक होता है। अच्छा, हम ये जानेंगे कि ये इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। इनका उपयोग पुलिस विभाग में आप लोग देखते होंगे, वायरलेस सिस्टम से जो बातचीत करते हैं बड़े अफसर से या अन्य कहीं भी, वो जो बातचीत करते हैं आपने देखा होगा, है ना। तो पुलिस रेडियो संचालन में इनका उपयोग होता है। वायरलेस भी कहा जाता है, इसलिए इनको दीर्घ रेडियो तरंगों को क्या कहा जाता है, वायरलेस भी कहा जाता है। तो नौ संचालन और पुलिस रेडियो प्रसारण में इसका उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं, इनका उपयोग लिख लेते हैं।
दीर्घ रेडियो तरंगे जिनको वायरलेस भी कहा जाता है, इसका उपयोग है नौ संचालन तथा पुलिस रेडियो संचालन में, पुलिस रेडियो संचालन में। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को जाना कि इनके किस तरह से अलग अलग तरंग दैर्ध्य होते हैं और अलग अलग तरंग दैर्ध्यों की वजह से इनके गुण भी अलग अलग होते हैं और इनके उपयोग भी अलग अलग होते हैं। हमने सात किरणों या तरंगों के बारे में जाना। पहला हमने जाना गामा किरणें, फिर जाना एक्स किरणों के बारे में, फिर जाना पराबैंगनी किरणें, फिर दृश्य प्रकाश, फिर अवरक्त किरणें, फिर लघु रेडियो तरंगें, और आखिर में हमने जाना दीर्घ रेडियो तरंगें। उनका तरंग दैर्ध्य किस तरह से होता है, किस वैज्ञानिक ने उनको खोजा था और उसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अगले चैप्टर हम बाद में देखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस तरह से वायुमंडल के विभिन्न भाग होते हैं। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद।